इस घर में इतनी सुबह उठकर इतना सारा काम करने वाली तो एक ही है, दीपी। दीपिका, चाची जी, सलोनी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। खुश रहे बेटा, कितनी प्यारी लग रही है आप। दीपिका, हम तो प्यारे लग रहे हैं लेकिन तू बहुत प्यारी है। मैं सारी हल्दी अकेले पीसती। चाची जी, थोड़ा धीरे बोलिए ना, और प्लीज ये बात कोई माँ को नहीं बोलेगा। माँ को क्या, किसी को भी मत बताइएगा। थैंक यू बेटा, भाभी को आज तक यही लगता है कि मैं परफेक्ट बहू, पर देखना आज मैंने उठते में देरी कर दी, मेरी वजह से हमारी पृथ्वी की रस्म बिगड़ जाती। पर बेटा, तूने सब ठीक कर दिया, उसके लिए भी और मेरे लिए भी। आशु और मैंने पूरी रात यही बात करने में निकाल दी थी कि तुझे और चिराग को छोड़ के जाने का हम से किसी का मन नहीं है। दीपिका, हल्दी कहाँ है नीलिमा? हमें एक बात बताओ नीलिमा, सारी तैयारियां हो गई? जी भाभी, सारी तैयारियां हो गई। और जो लास्ट मिनट में हल्दी आई थी वो पिस गई कि? हाँ भाभी, सब कुछ हो गया है, आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है, प्लीज एक बार चिराग और प्लीज नीलिमा, आज के दिन कुछ ऐसा मत कहना जिससे हमारा मूड खराब हो। ठाकुर जी ने हमें सिर्फ एक ही बेटे को दूल्हा बनते हुए देखने का सुख दिया है, वो हमसे मत छीनो। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में, जहां हम लेकर आते हैं आपके पसंदीदा टीवी शो की ताजा अपडेट और गॉसिप। आज हम बात करेंगे शो दिल को तुमसे प्यार हुआ की नई अपडेट के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इस एपिसोड में हमें एक इंटरेस्टिंग मोड देखने को मिलता है। लावण्या, जो कि एक महत्वपूर्ण किरदार है, जो पृथ्वी और जानवी से बच्चों के बारे में बात करती है। जब उन्होंने ये कहा कि उन्हें जल्दी से अपना बच्चा पैदा करना चाहिए, तो इस बात को लेकर ना चिराग को बुरा लग जाता है और भी बहुत झगड़ा हो जाता है। चिराग के गुस्से का कारण यही है कि लावण्या ने एक ऐसी बात कही है जो उसे बहुत बुरी लगती है। अब लावण्या ने चिराग की पत्नी दीपिका को कीचड़ भी कह दिया है। अब ये सुनकर चिराग का गुस्सा और भड़क उठता है और ये दीपिका से कहता भी है कि तुम सबके सामने वारिस की बात क्यों कर रही थी। ये सुनकर दीपिका भी हैरान रह जाती है। इस एपिसोड में लावण्या के आशीर्वाद के साथ साथ चिराग के परिवार की परंपराओं का भी जिक्र होता है। चिराग के पिता कहते हैं कि उनको घर का बड़ा बेटा और बहू यानी चिराग और दीपिका ही है, इसलिए वारिस उनसे ही मांगना चाहिए, लेकिन लावण्या इस बात को मानने को तैयार नहीं है। दीपिका अपने आप को साबित करने की कोशिश करती है और वो लावण्या को जवाब देते हुए कहती है, हमारा वंश चिराग के खून से बढ़ेगा और खून गंदा नहीं होता। उनकी ये बात सुनकर चिराग का गुस्सा और बढ़ जाता है। यहाँ एक और महत्वपूर्ण सवाल उठता है, क्या दीपिका और चिराग का रिश्ता इस तनाव को सह पाएगा? क्या लावण्या के शब्द उनके रिश्ते में दरार डालेंगे या दीपिका अपने प्यार के दम पर सब कुछ संभाल लेगी? इस एपिसोड ने दर्शकों को एक बार फिर से एक्साइटमेंट में डाल दिया है। क्या आपको लगता है चिराग और दीपिका इस मुश्किल समय में एक दूसरे का साथ देंगे या लावण्या का प्रभाव उनके रिश्तों को कमजोर बना देगा? अगर आप भी इन सवालों का जवाब जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना भी मत भूलिए, ताकि आप हमारे लेटेस्ट अपडेट्स मिस ना करें।